सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, आज पहली बार मैं सोलो व्लॉगिंग कर रहा हूँ, मतलब मैं घर से आज अकेले ही व्लॉग के लिए निकला हूँ। तो आज मैं जा रहा हूँ समालटा मंदिर मालदा महाराज जी के दर्शन के लिए। तो दोस्तों, मासू महाराज जी हमारे जो हैं वो चार भाई हैं। पहले पे आते हैं हमारे बाशिक महाराज, फिर आते हैं पावासी महाराज, फिर आते हैं भोटा महाराज, चौथे पे आते हैं हमारे चालदा महाराज। दोस्तों, जो चालदा महाराज जी है वो एक गाँव से दूसरे गाँव मतलब ट्रैवल करते रहते हैं। कोई उनका फिक्स साल नहीं है कि दोस्तों कितने साल में वो कौन से मतलब कितने साल बाद वो कौन से गांव में जाएंगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं समालटा मंदिर की तरफ और आपको कराते हैं दर्शन चालदा महाराज जी के। तो बने रहिए व्लॉग में, आइए चलते हैं समालटा मंदिर। चुका हूँ समालटा मंदिर और दोस्तों, ये आपके जो पीछे आप मेरे देख सकते हो समालटा मंदिर का बोर्ड है। और अब चलिए, चलता हूँ मैं मंदिर की तरफ और आपको दिखाता हूँ मंदिर थोड़ा करीब से। तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ। अभी मैं हूँ समालटा मंदिर में और दोस्तों, जो यहाँ पर अभी बताया जा रहा है वो ये है कि जो चालदा महाराज आए हैं वो आए हैं मोहना गांव से और 67 साल बाद जो है वो देवता यहाँ पे विराजमान हुए हैं। और लगभग उन्हें यहाँ पर समालटा गांव में 1.5 साल हो चुका है। और यहाँ पर जो है दोस्तों, वो भंडारा भी दिया जाता है श्रद्धालुओं को और 3 टाइम का जो है वो यहाँ पर मतलब भोजन कराया जाता है श्रद्धालुओं को। तो आइए चलते हैं अब भंडारे की तरफ। तो दोस्तों, फाइनली मैं आ चुका हूँ जहाँ पे श्रद्धालुओं का भंडारा कराया जाता है और ये है वो जगह। और इसके अंदर दोस्तों, जो श्रद्धालुओं को बैठकर खाना खाते हैं। तो आइए चलता हूँ अभी अंदर की तरफ और यहाँ पे करता हूँ खाना खाना शुरू। तो यार, हम भी अंदर से प्रसाद खा के आ चुके हैं और यहाँ पर जो है वो अपनी प्लेट वगैरह खुद धोनी पड़ती है। तब मैं जा रहा हूँ अपनी प्लेट धोने के लिए और उसके बाद मिलता हूँ आपसे वीडियो में। तो वक्त आ चुका है व्लॉग एंड करने का। मैंने आपको चालदा महाराज जी के दर्शन कराए और साथ ही साथ दिखाया आपको समालटा मंदिर। आशा करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें।